बहुत अच्छी थी, सब स्पेस में कैसे कैसे घूम रहे थे। हाँ सब बहुत थे, बहुत बेस्ट था पिक्चर, वही है मेरे लिए बस, अच्छा था। Not satisfied. Like the story was supposed to be motivational, inspirational, and serious. But in an honest opinion, like a very bad word is coming to my mouth, but I won't say it. But disappointed. Yeah, disappointed. Sorry. Yeah. So the story was a very nice story, but when a story comes to Bollywood, when Bollywood touches story, I expected much more from this. Like from in this time, good films are being made, right? Like they are making good films. But this film, the same thing happened. The Bollywood touch, like the scientists are dancing in the rooms with Jharu and all. You don't do that while you are doing a Mission Mangal, right? That's not how you go to Mangal, of course. What were the other sectors? Other sectors, yeah. I like the camera work, of course. I like the camera work. Direction wise, I don't think it's flawless. Direction wise. Acting-wise, he's good. Acting-wise, of course, he's good. But again, if he's playing a scientist character, I don't think this is a scientist character. Okay, get this strong in the character. 0.5? Yeah. या फिल्म बहुत बढ़िया है, इट्स सिंपली आउटस्टैंडिंग। इंडिया का सबसे बड़ा मिशन था ये, और इसके ऊपर काफ़ी बढ़िया फिल्म बनाई गई है। कहानी ने बहुत इम्प्रेस किया है, फिल्म का स्क्रीन प्ले डायरेक्शन काफ़ी अच्छा है, और एक्टर्स में कहूँ तो अक्षय कुमार बहुत अच्छे एक्टर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। सारी जितनी भी फीमेल एक्ट्रेसेस हैं, कृति कुलारी है, विद्या बालन है, और भी जितने कलाकार हैं, सभी ने बहुत अच्छा काम किया। सोनाक्षी सिन्हा का भी काम बहुत अच्छा है। गाने फिल्म में हार्डली एक है, वो भी बैकग्राउंड में चलता है, तो गाने पे फोकस नहीं, फिल्म में कंटेंट पे फोकस किया गया है। इंडिया का सबसे बड़ा मिशन था, जो सिर्फ इंडिया ने आज तक सक्सेसफुली किया है। फिल्म में दिखाया गया कि चाइना ने 8 बार ट्राई किया, अमेरिका ने 4 बार ट्राई किया, लेकिन वो लोग फेल हुए मार्स तक जाने के लिए। हम लोगों ने 1 बार ट्राई किया और हम लोगों ने सीधा छक्का मारा। सो यस, यूनिक सी कहानी है, और काफ़ी सस्ते में हम लोगों ने कैसे लोगों ने चैलेंजेस फेस किए। काफ़ी ज़्यादा परमाणु से भी रिलेटेड फिल्म है, जैसे परमाणु बनी थी उससे सारा काफ़ी ज़्यादा रिजेम्बलेंस मिलेगा आपको, बट फिल्म इज़ वेरी गुड, काफ़ी अच्छी चलेगी। 5 में से 4। थैंक यू। वेरी नाइस इज, वी कैन से द डिफरेंट कॉन्टेंट इज कमिंग इन अवर बॉलीवुड, फाइनली द स्टोरी इज हिटिंग। कि पहले हम सिर्फ स्टार्स को या सॉन्ग्स को देख कर ही करते थे, पर नाउ इट इज अ स्टोरी, पीपल आजकल स्टोरीज को जैसे पसंद कर रहे हैं, वैसा स्क्रिप्ट, स्टोरी, डायरेक्शन, एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस। या वन थिंग कि सॉन्ग्स जो नहीं थे, जो थे वो काफ़ी मैचिंग थे टू द स्टोरीज। यस वेरी मच। या वो मन जैसे कि फिल्म में भी बोला गया है, होम साइंस रॉकेट साइंस बना रहा है, एंड इट्स रियली इट डिड इट। 4। पिक्चर अच्छी है, अच्छी बनी है। अरे कहानी क्या, मतलब 1% भी बोरिंग नहीं है बिल्कुल भी, मतलब थ्रू आउट, और इवन उसका जो मतलब VFX है बहुत अच्छा हुआ है, जो रॉकेट और सैटेलाइट। हाँ बढ़िया रोल लगा है, मतलब शर्मन जोशी मतलब बहुत बेटर है, जो उसका मतलब जोनर है वो बहुत मतलब अच्छा उसने मतलब प्ले किया है। अरे फुल भाई 10/10 है हमारी तरफ से, बिकॉज वी आर द VFX आर्टिस्ट ऑफ दैट मूवी, मतलब हम खुद हमारा मूवी देखने गए थे इसलिए। बढ़िया भाई, पिक्चर तो हद कर दी, इतनी अच्छी लगी। अक्षय कुमार ने इसमें जो रोल किया है, जो अब्दुल कलाम जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने उनसे जो प्रेरणा ली और उसको बखूबी निभाया है उन्होंने। विद्या बालन A1, पूरी प्रोजेक्ट मैनेजर जिसको बोलते हैं ना, उसी ने प्रोजेक्ट लीड किया है। सबसे बड़े साइंटिस्ट के रूप में अक्षय कुमार बद्धा है, लेकिन इतना बड़ा प्रोजेक्ट को हैंडल करना और इतनी अच्छी तरह, श्रवण जोशी है, तापसी पन्नू है, दूसरे जो 4-5 है, सोनाक्षी सिन्हा है, छोटा 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 छोटा, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। इसी के साथ में सर, अगर बात करिए और वुमेन
हाँ मतलब हमारी भारत की नारियाँ कहाँ तक पहुँच सकती है यही बताया। ओरिजिनली जो लेडीज थी उनका भी लास्ट में फोटो दिखाया और उन लोग उनके चलते ये मंगल मिशन कामयाब हुआ। कितने स्टार देना चाहिए सर? इसमें 5 में 5 दूंगा एकदम। चलिए जय हिंद। कहानी बहुत अच्छी है, थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था बट इट्स अ फैमिली फिल्म तो बहुत इजी वे में उन्होंने समझाया है, कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश नहीं करी है चीज़ों को, तो मेरे ख्याल से वो बेस्ट पार्ट है फिल्म का। और नेगेटिव पार्ट भी है कि जो अगर पढ़ा लिखा आदमी जा रहा है वो बोलेगा कि अरे यार, बट जो एक फैमिली ऑडियंस जा रही है, जो बच्चे जा रहे हैं, सबको ही समझ सकता है। मतलब अगर मैं ऑटो वाले भैया को ही बोलूँगा आके चल लो तो उनको भी बहुत आराम से समझ में आ जाएंगी चीज़ें, उनको भी नहीं हो गया भैया ऐसा नहीं वाला सुना। तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सी स्टोरी है, सबके परफॉर्मेंस बहुत ब्रिलियंट है, स्पेशली अक्षय कुमार, विद्या बालन, अमेजिंग। जी हाँ, ये मैं जब क्या कहते हैं 2014 में चीज़ हुई थी तो मैं पढ़ रहा था उन साइंटिस्ट के बारे में, तो उसमें भी सेम स्टोरी है, उन्होंने भी यही चीज़ें की थी कि हाउस की जो चीज़ें हैं, क्योंकि और ये लीड औरतों ने ही किया है मिशन, तो उसमें सारी जितने भी घरेलू चीज़ें जैसे हमारे घर में मम्मी वगैरह सब आटा वगैरह सब करते हैं, वैसे ही उसमें भी यही चीज़ें की गई हैं। और बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग ऐसी जुगाड़ जो इंडिया में चलता है कि जुगाड़ यूज़ करके हम सब कुछ कर रहे थे, वैसा ही जुगाड़ इन्होंने मास मिशन में किया हुआ है। 3.5। थैंक यू।